जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले के पीछे आतंकवादी संगठन की मंशा क्या है, पाकिस्तान आखिर कौन सी साजिश करना चाहता है, वो हासिल क्या करना चाहता है। पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित आज हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइव जुड़ेंगे। और क्या हिंदुस्तान बूढ़ा हो रहा है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ताजा फैसले के बाद से यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए आज आंकड़ों के साथ हिंदुस्तान की आजमाइश। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में रविवार देर रात आतंकियों ने नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम कर रहे थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस हमले में 7 लोग मारे गए। जिनकी मौत हुई उनमें कश्मीर के बड़गाम के डॉक्टर शहनवाज, कठुआ यानी कि कश्मीर जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके का एक जिला, कठुआ के शशि अबरोल, पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह, मध्य प्रदेश के सीधी के अनिल कुमार शुक्ला और बिहार के 3 मजदूर शामिल हैं। जो 3 लोग बिहार के या थे उनके नाम हैं फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ और कलीम। जिस टनल के लिए ये लोग काम कर रहे थे वह रोड लेह को गांधरबल से कनेक्ट करती है और यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। जब शाम को साइट पर काम खत्म हो गया तो सभी कैंप में आ गए और उसी जगह पर आतंकियों ने आकर के फायरिंग शुरू कर दी। यह टारगेट किलिंग है और इसका मकसद कश्मीर के बाहर के लोग जो आकर के काम कर रहे हैं उसमें डर पैदा करना हो सकता है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा जिसका हेड यानी कि सरगना हाफिज सईद है, उसी की ब्रांच है द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम TRF कहते हैं, और इसी TRF ने गांधरबल हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए, उनका काम तमाम करने के लिए समूचे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम NIA कहते हैं, उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी है। गांधरबल हमले के बाद लगभग 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, मगर अभी तक यह साफ नहीं है कि जो आतंकी मारा गया उसका गांधरबल हमले से कनेक्शन था भी या नहीं। इस आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन जो जगह है जहां हमला हुआ गांधरबल में, जिस टनल में काम करने वाले कर्मचारियों के कैंप पर हमला किया आतंकियों ने, उस ग्राउंड से, उस जगह से हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट पहले देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य कश्मीर के गांधरबल में हम इस समय मौजूद है और कल शाम को गगनगीर के इलाके में आतंकियों ने गैर रियासती मजदूरों पर निशाना साधकर उन्हें हलाक कर दिया और फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे पीछे आपको वीजे तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ पर सारा ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है और हर एक शख्स पर नज़र रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और NIA की टीम भी जो है घटनास्थल पर पहुँच चुकी है। दरअसल ये वर्कर्स जो है एक टनल में काम कर रहे थे जो कि श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है और ये टनल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और शाम को जब ये मजदूर वापस अपने रिहाइश पर लौटे, एक कैंप में लौटे जहां पर आतंकियों ने घुसकर शाम के अंधेरे में वहां पर गोलियां बरसाई और 7 लोगों की मौत जो है इस जगह पर हुई है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक कश्मीर से है और कुछ कश्मीर के आउटसाइडर स्टेट से भी है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF की तरफ से जो है हर एक को चेक किया जा रहा है और इसी हाईवे के आगे जो है ये टनल बनाई जा रही है जहाँ पर काम जो है चल रहा था और नॉन लोकल टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह
साउथ कश्मीर के शुपया में भी एक गैर रियासती मजदूर को गोलियों से निशाना बनाकर उसे मार दिया गया। और फिलहाल हर एक इस वाकये की निंदा करता है, क्योंकि कल का अटैक जो है कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में खौफ और डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह बिल्कुल इसी रास्ते पर ये टनल जो है बनाई जा रही है, इन्हीं पहाड़ों को जो है इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ये टनल बनाई जा रही है, जहां पर गैर रियासती लोकल जो है नॉन लोकल जो है वो काम कर रहे थे इसी टनल पर। और शाम को जब ये लोकल्स जो है अपने अपने डेरे पर जा रहे थे, तो इस बीच जो है इन पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में जो है 7 लोगों की मौत वाका हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है एक डॉक्टर भी है जिसका ताल्लुक बडगाम से है, और गांदरबल के रहने वाले भी एक निवासी की इसमें मौत हो गई है। कुछ कुठुआ के भी मजदूर है जो इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे, यानी इफको नामी ये कंपनी है जो कि यहाँ पर टनल बनाने का काम कर रही थी। आम लोगों की राहत के लिए ये टनल बनाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर निहत्ते लोगों पर आतंकियों ने हमला कर उन्हें जो है लहूलहान कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जो कि दिख रही है साफ तौर पर। कल शाम को जिस हिसाब से निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में कई लोगों की मौत वाका हो गई है, और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP DGP जो है इस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम भी जो है जांच कर रही है। गांदरबल से हमारे सहयोगी आशिक मीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आशिक थोड़ी देर में हमसे लाइव भी जुड़ेंगे ताकि हम आपको अभी के हालात भी बता पाए। जो जानकारी इंडिया न्यूज के पास है उसके मुताबिक गांदरबल हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं, और वे पिछले महीने भर से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी कर रहे थे। अगर आप TRF के हमलों पर गौर करेंगे तो यह दिखता है कि उसने पिछले 1.5 साल में अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। TRF पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाता था, लेकिन अब यह गैर कश्मीरियों को अपने टारगेट पर लेता है, उन पर हमले करता है। अभी 4 दिन पहले दक्षिण कश्मीर में शोपियां है, और शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। वैसे इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इस संगठन ली नहीं है, लेकिन वह भी टारगेट किलिंग का मामला था। उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, उनको मुख्यमंत्री बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए, और ये दोनों हमले उनकी सरकार के आने के बाद हुए। इससे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों गुस्से में हैं, और दोनों पाकिस्तान को चिताने में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाना चाहता हूं, और फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद आपको उमर अब्दुल्ला को सुनना है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहां आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए, और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। अब
बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को ये हमला हुआ जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए, कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल, ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा? पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरमन एक माहौल में मिलेगा। गांधरबल वो इलाका है जहां सुमर अब्दुल्ला चुनकर के आए हैं। ये इनकी पुश्तैनी जमीन कहिए या विधानसभा सीट कहिए, गांधरबल। फारूक अब्दुल्ला भी वहीं से लड़ा करते थे। फारूक अब्दुल्ला के पिता यानी कि उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला भी गांधरबल से विधायक चुनकर के आए थे और उसी गांधरबल में ये हमला हुआ है। इस आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने बहुत मजबूती से कहा है कि जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनके साथ सलूक हमारी फोर्स वैसा ही करेगी जिसके हकदार हुए हैं। मनोज सिन्हा को सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज इस किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी एसआरओ 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा जाए। आप सोचिए कि पाकिस्तान की कैसी अंधेरगर्दी है, कैसा मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क, कि एक देश के लोग अपने यहां एक टनल बना रहे हैं, वो टनल वहां विकास की राह को और रफ्तार देने के लिए काम करेगी और अचानक आकर के उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। बेकसूर लोग, बेगुनाह लोग, उसमें से एक की पत्नी ने शाम को फोन किया था कि आज करवा चौथ है, 8:30 बजे के बाद मैं आपको फोन करूंगी, आप वीडियो कॉल पे आ जाइएगा। पत्नी फोन करती रही लेकिन वो फोन उठा नहीं, क्योंकि उठाने वाला नहीं बचाता। जिन परिवार के लोग मारे गए हैं उन परिवारों में मातम पसरा है। क्या कसूर है इनका, क्या गुनाह किया है इन लोगों ने? एक पड़ोस का मुल्क जो सनकी पागल देश है, जिसने अपने आप को जलालत की हालत में पहुंचा रखा है, जिसके पास खाने पीने को नहीं है, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता रहता है, उस मुल्क ने सिर्फ एक ही काम किया, उसने दहशतगर्द बनाए। एक सुई नहीं बना सका पाकिस्तान आज तक, सिर्फ उसने बम, गोले, बारूद और आतंकी पैदा किए और उन आतंकियों ने हिंदुस्तान के भीतर इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। नासूर बन गया आतंकवाद हिंदुस्तान के लिए। दो दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया, फर्क नहीं पड़ता। तबाही के लिए तैयार जो देश है उसको फिर उसी की भाषा में सिखाना भी पड़ेगा। लेकिन जिन घरों में मातम है, जिन परिवारों में रोना धोना है, जिन परिवारों की रोटी कमाने वाला इंसान अब नहीं है, वहां क्या आलम है, ये देखिए।